बने रहने के लिए इंडिया पोस्ट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबर है मऊ से, जहां अपने पति के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए पत्नी बैठी आमरण अनशन पर। प्रश्न यह उठता है कि राम राज्य की कल्पना देने वाले आखिरकार उन्हीं के राज्य में आज पत्नी को बैठना पड़ रहा है पति के हत्यारों को सजा दिलाने के नाम पर अनशन पर। ये कैसा राम राज्य है योगी जी? ये प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न है जनता का। आपको बता दें कि बीते 15 जनवरी को घोसी कोतवाली क्षेत्र के पकड़ी बुजुर्ग गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने आनन फानन में युवक की प्रेमिका व उसके भाई को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। अब वहीं मृतक की पत्नी ने पुलिस के इस खुलासे पर सवाल खड़ा कर दिया और जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अपने पति की हत्या के साजिशकर्ता और लिप्त शूटरों को गिरफ्तार करने के लिए आमरण अनशन बैठी हुई है। मृतक की पत्नी ने बताया कि कोई लड़की गोली नहीं मार सकती। आरोप लगाते हुए बताया कि घटना में पुलिस वाले पैसे लेकर मामले को दबा दिए हैं, क्योंकि कोई लड़की गोली नहीं मार सकती, किसी और ने मेरे पति को मारा है। मेरे पति के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए मैं कलेक्ट्रेट परिसर में आमरण अनशन पर बैठी हूँ। देखिए ये रिपोर्ट। रात्रि के समय हत्या हुई थी पकड़ी बुजुर्ग में, और पुलिस ने जो वर्कआउट किया उसमें प्रेमिका के द्वारा अपने प्रेमी को गोली मारने के लिए जुर्म कबूल करने के आधार पर। वहीं इस मामले को लेकर मृतक के वकील गोपाल निषाद ने बताया कि जो बीते दिनों युवक की हत्या हुई है उसी मामले को लेकर उसकी पत्नी यानी चांदनी उसके असली हत्यारों को सजा दिलाने के लिए आमरण अनशन पर बैठी है। मऊ जनपद से सतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट, आप देखते रहिए इंडिया पोस्ट न्यूज। जो कट्टा बरामद हुआ है, मृतक के पत्नी का कहना है कि वह कट्टा बदल दिया गया है। बुलेट की गोली 12 बोर के कट्टे से फायर हुआ है। कट्टा 12 बोर के कट्टे से हुआ है, लेकिन 315 बोर की बरामदगी दिखाकर चलन किया गया। तो सब कुछ गोल मोल है और असली हथियारों को बचाया जा रहा है। आज आमरण अनशन पर बैठे हैं, इसका यह कहना है कि जो असली शूटर है उन शूटरों को गिरफ्तार किया जाए, और जो सहयोगी हैं या 120 रुपये जो मिले हैं उनको भी रखा। उसका 15 जनवरी को घोसी थाना क्षेत्र जो भी पकड़े।